तो ये देखिए हमारा आलू टुक बन के तैयार है, ऊपर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट। आलू टुक बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने एक बड़े साइज का आलू लिया है, उसे लगभग 5 टुकड़ों में काटा है कुछ इस प्रकार के शेप में, और उसे पानी में 10 से 15 मिनट तक डाल के छोड़ दिया है ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। और उसके बाद एक फ्राई पैन लेंगे या आप कढ़ाई ले सकते हैं, उसमें तेल डालेंगे, और तेल आप चाहे तो और अधिक मात्रा में भी डाल सकते हैं ताकि हमारा आलू जो है वो अच्छे से उसमें पक जाए। तो ये देखिए हमने पानी से निकाल लिया आलू को, और तेल को गर्म करके उसमें डालेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई होके अच्छे से पक जाए। इसको अच्छे से तल लेंगे हम आलू को लगभग 80 से 90% के आसपास, और इसी दौरान हम इसमें नमक डालेंगे। और इसी तरह से इसे पकाएंगे, इसे पलटी करके धीरे धीरे इसे पलट करके अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली आलू का जो हमने पीस तैयार किया वो पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए मीडियम साइज का आलू भी लेके उसे 2 टुकड़ों में काट के भी इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पके हुए आलू को एक प्लेट या एक पत्थर के टुकड़े पे या स्लेब पे रख के इसे किसी छोटी कटोरी के सहारे से प्रेस करके इसे इस प्रकार का शेप देना है, कुछ टिक्की टाइप का शेप। इस प्रकार से हम आलू टिक्की बनाते हैं। ये देखिए हमारा पकने के बाद इसे प्रेस करके उसके बाद फिर से हम इसे तेल में पकाएंगे ताकि ये और अच्छे से पक जाए। इस प्रकार से आप इस रेसिपी को बनाएंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही टेस्टी होने वाला है ये रेसिपी, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। इसे आलू टुक बोलते हैं, सिंधी आलू टुक। इसे भी बारी बारी से पलट कर और अच्छे से पका लेंगे। तो ये भी हमारा लगभग फाइनली पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे बारी बारी से हम निकाल लेंगे। तो अब इसमें फ्राई पैन में हम थोड़ी सी तेल इसमें डाल देंगे, और इसमें आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी से कम चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसे डाल के अच्छे से मिलाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पे फ्लेम को कम करना है, और यहाँ पे थोड़ी सी हमने सब्जी मसाला का प्रयोग किया है, और अब हम थोड़ी सी इसमें पानी डालेंगे। आप चाहे तो पानी नहीं भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे, आधी चम्मच, 1 चम्मच के आसपास, और इसे अच्छे से मसाले को 10 से 20 सेकेंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाले को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, और थोड़ी सी नमक ऐड कर लेंगे। तो अब हम आलू के टुक को इसमें डालेंगे और मसाले में अच्छे से लपेट के इसे पकाएंगे, इसे चलाएंगे
इसे भी पलट कर अच्छे से इसमें मसाले लग जाना चाहिए, उस प्रकार से हम पकाएंगे। और बिल्कुल ये भी लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए, तो हमारा दोनों साइड अच्छे से पक चुका है। ये देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है, और खाने में कहीं इससे ज़्यादा इसका टेस्ट होता है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म आलू टुक की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। ये ऊपर से तो क्रंची है ही और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो कैसी लगी रेसिपी ये फ्रेंड्स? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। ये देखिए है ना बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल जूसी। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।